देखिए दो नंबर का लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन मोड एक्स बटा एक्स बराबर कि इसके बराबर होगा, ठीक है। कर रहा क्वेश्चन नंबर ए थी ऑप्शन ए में वन होगा, बी में माइनस वन होगा, सी में कर रहा है जीरो, डी में कर रहा नन ऑफ दीज, ठीक है। जी इसको हल करते हैं, यहाँ पर जीरो रखूँगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म के रूप में हो गया साइन जीरो जीरो, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको क्या किया जाए, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बना के देंगे और राइट हैंड लिमिट, एल एच एल लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से छोटा, ठीक है। एल एच एल में क्या होता है जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा देखिए तो फ्रेंड क्या होगा, एफ एक्स लिमिट, और इसके बाद एच टेंस टू जीरो कराऊंगा तो फंक्शन क्या जाएगा जीरो से कम, तो जीरो माइनस एक हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखिए जीरो से छोट यही रहना है फंक्शन, और जीरो से बढ़ के लिए यही फंक्शन रहना है, ठीक है। तो देखिए साइन एक्स में साइन है, साइन मोड कितना, यहाँ पर एच है एक्स है तो मोड है, तो कितना एक्स की जगह पर क्या रखूँगा जीरो माइनस एच, तो माइनस एच ही होगा, तो माइनस एच। अब बार देखिए एक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एच, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन मोड है तो कितना प्लस हो जाएगा, ये साइन एच हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस एच होगा, ठीक है। मोड में कोई रहता है माइनस तो प्लस हो जाता है, और यहाँ पर नीचे मोड नहीं है तो क्या माइनस एच ही होगा। देखिए अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, और देखिए साइन एच है, एच से डिवाइड कर दूंगा और एच से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला के रूप में लाने के लिए, और माइनस एच है तो वन एच से एच कट गया, इसका मान कितना होगा वन हो जाएगा, इसका मान वन, तो ऊपर वन बचा और माइनस वन, तो कितना रहेगा माइनस वन हो जाए। अब आर एच एल के लिए, आर एच एल के लिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, ठीक है। इसको आगे क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखूँगा तो एफ आई एक्स कितना देगा जीरो है, तो जीरो जीरो प्लस है तो जीरो प्लस एच होगा। उसके आगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, और जीरो से बढ़ के लिए फॉर्म हमको यही लेना है साइन मोड एक्स, देखिए साइन मोड एक्स, सॉरी साइन मोड एक्स, मोड एक्स एक्स की जगह पर क्या रहना है, एक्स की जगह पर हमें जीरो प्लस एच रहना है, तो जीरो प्लस एच का मतलब हो गया एच ही, तो यहाँ पर एच लिखूँगा मोड एच बटा एच, ठीक है। देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो साइन मोड एच केच होगा और बटा एच होगा, और इसको आगे लिखूँगा तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एच टेंस टू जीरो, देखिए साइन एच बट एच डिवाइड करूँगा और एच से मल्टीप्लाई करूँगा, और नीचे एक है एच है, ठीक है, नीचे एच है, तो एच एच कट गया, और देखिए साइन एच बटा एच, इसका मान वन होगा जब लिमिट एच टेंस टू जीरो होता हो, इसका मान कितना वन होगा, तो कितना है ये वन के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर बता दे रहा, देखिए एल एच एल हमारा कितना माइनस वन है और एल आर एच एल हमारा वन है, तो एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल के, तो ऑप्शन कौन होगा, एक आया है हमारा माइनस वन आया है, जीरो आया है, नहीं आया, क्या नहीं आया, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मान क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दस नंबर पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मोड एक्स बटा टेन मोड टू एक्स बराबर किसका होगा, ऑप्शन नंबर ए में वन बाई टू, ऑप्शन बी माइनस वन, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, क्या होगा इसमें, इसको हल करेंगे तो मालूम चलेगा कम आंसर क्या होगा। तो देखिए एक्स टेंस टू जीरो कर रहा है, ठीक है ना, इसमें ये जीरो से छोट कर रहा ना बड़ कर रहा है, इसमें दिया ही नहीं है, तो मालूम कैसे चलेगा, अगर यहाँ पर जीरो रखूँगा यहाँ पर जीरो, तो जीरो बाई जीरो टेन जीरो जीरो, यहाँ पर जीरो जीरो बाई जीरो, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। जिसको क्या किया जाए कि एल एच एल और आर एच एल मान कर देखेंगे क्या होगा, देखिए एट किसके बराबर हो जाएगा, एट एट पॉइंट एक्स बराबर किस पर, जीरो पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीधे जीरो दे दिया है, तो एल 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 एच एल में क्या होगा लिमिट,
अच्छा वैसे चैप्टर का नाम है एग्जिस्ट एग्जिस्ट ऑफ लिमिट, एग्जिस्ट करेगा तभी तो कोई आंसर निकलेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका आंसर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ए लचा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, जीरो माइनस लिखने का मतलब है कि एक्स है ये देखिए माइनस हो गया बाएं तरफ और प्लस हो गया दाएं तरफ, ठीक है। तो एक्स है वो दाएं तरफ सॉरी एक्स है वो बाएं तरफ से ना सॉरी एक मिनट इसको फुल डिस्प्ले होगा, जो एक्स है जीरो से छोटा रहते हुए भी और बाएं तरफ से जीरो की ओर जा रहा है, ठीक है। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस इस बार एफ एक्स होगा, ठीक है। और इसके आगे लिमिट देखिए एच इसका एच टेंस टू जीरो कराऊंगा, एच टेंस टू जीरो तो देखिए फंक्शन क्या होगा एफ, अब जीरो माइनस है तो जीरो माइनस एच हो जाएगा। इसके आगे अब लिमिट एच टेंस टू जीरो देखिए, अब मोड देखिए एक्स के जगह पर जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच का मतलब क्या होगा माइनस एच ही ना हो गया, देखिए मोड है तो मोड एच बटा टेन टू एक्स है टू माइनस एच होगा एक्स के जगह पर तो कितना माइनस टू एच होगा, माइनस टू एच माइनस टू एच होगा, ठीक है। जिसको लिखा जा सकता है लिमिट एच टेंस टू जीरो मोड एच माइनस माइनस एच का मोड प्लस एच, ये कितना जाएगा टेन टू एच, ठीक है टेन टू एच हो जाएगा। देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। तो क्या होगा ऊपर एच देखिए नीचे टेन टू एच है, टू एच से भाग करूँगा और टू एच से मल्टीप्लाई करूँगा, इसका मान कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, क्यों जब लिमिट एच टेंस टू जीरो हो और टेन टू एच बटा टू एच है तो यह फॉर्मूला के रूप में है तो इसका मान कितना हो गया वन हो गया और एच एच कट गया तो कितना आया वन बाई टू आया, ठीक है। और देखूँगा आर एच एल पर वन बाई टू आता है कि नहीं, अब आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, इसके आगे लिमिट अब एक्स टेंस टू जीरो है तो अब इसको एक्स टेंस टू जीरो करा दूंगा तो एफ हो जाएगा कितना जीरो है तो जीरो प्लस है तो जीरो प्लस एच होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो कितना था मोड एच था तो मोड एच की जगह पर एच ही लेना है प्लस एच ही लेना है और टेन मोड टू एक्स था टू एक्स एक्स की जगह पर एच लेना है तो टू एच। तो देखिए लिमिट एच टेंस जीरो मोड एच का एच मोड एच हो गया, मोड एच का मोड में कोई भी रहता है माइनस तो प्लस हो जाता है और देखिए टेन टेन टू एच लिमिट एच टेंस टू जीरो देखिए ऊपर एच था और नीचे देखिए टेन टू एच है, टू एच डिवाइड कर दूंगा प्रमाण से और टू एच से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका मान कितना हो गया वन, एच एच कट गया तो ये भी कितना है वन बाई टू। आप देख रहे हैं कि एल एच एल भी वन बाई टू आया और आर एच एल भी वन बाई टू आया, जिसका आंसर क्या हो जाएगा वन बाई टू होगा। ऑप्शन देखते हैं वन बाई टू है कि नहीं, देखिए वन बाई टू आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह, क्वेश्चन नंबर ग्यारह कह रहा है एफ एक्स बराबर टू माइनस एक्स, देखिए एफ एक्स का एफ जो फलन है वो कितना दिया है टू माइनस एक्स दिया और दूसरा फलन एक्स माइनस टू, ये दोनों कब कब लेना है, देखिए एक्स लेस देन इक्वल टू जब एक्स टू से छोटा हो या बराबर हो, ठीक है तो ये लेना है और दो से बारह दो देखिए दो से छोटा दो से छोटा अगर होगा तो टू माइनस एक्स लेना और टू से बारह के लिए यह है और टू से छोटा के लिए यह है, ठीक है। तो देखिए देखिए दो से भी छोटा भी है और दो से बारह भी है तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा एट एक से बराबर दो पर चेक करूँगा, ठीक है। तो एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ एक्स, ठीक है। उसका क्या करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सॉरी एच टेंस टू जीरो कराऊंगा तो फलन क्या हो जाएगा एक्स की जगह पर कितना यहाँ पर टू माइनस है तो टू माइनस एच हो जाएगा। और देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो टू से छोटा के लिए क्या है टू से छोटा के लिए टू माइनस एक्स है
तो टू अब माइनस माइनस अब एक्स एक्स बचा तो एक्स के जगह पर हमें क्या लेना है टू माइनस एच, तो टू माइनस एच। अब देखिए तो टू यहाँ पर अगर एच पुट एच जगह पर जीरो पुट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा जीरो, तो टू माइनस टू टू माइनस टू बराबर जीरो। ठीक है एल एच एल हमारा कितना है, एल एच एल देखिए एल एच एल हमारा कितना है जीरो है। अब आर एच एल के लिए आर एच एल के लिए लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस, ये प्लस डिनोट करता है कि वो दाएं तरफ से टू की ओर जा रहा है। एक्स है एक्स जो है वह 212 रहते हुए भी वह दाएं तरफ से टू की ओर जा रहा है। ठीक है देखिए इस पर एफ एक्स किया हुआ लिमिट और वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए अब इसको एच टेंस जीरो कराऊंगा तो एफ से होगा और अब टू प्लस है तो टू प्लस एच हो जाएगा राइट हैंड लिमिट टू प्लस एच। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो अब देखिए अब कितना है टू प्लस एच है तो टू से बारह के लिए, टू से बारह के लिए क्या है एक्स माइनस टू है तो एक्स माइनस टू एक्स, तो एक्स कितना लेना है एक्स की जगह पर टू माइनस एच क्योंकि एफ एक्स है ना एक्स ही हमारा टू प्लस एच है तो टू प्लस एच माइनस टू। अब क्या करना है देखिए अब एच पुट करूँगा जीरो तो टू प्लस माइनस टू ये भी कितना हो जाएगा जीरो। तो देखिए हमारे एल एच एल बराबर आर एच एल आया आर एच एल तो द फंक्शन डोज एग्जिस्ट, जब फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका तो क्या होगा तो लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ एक्स हमारा कितना हो जाएगा ये भी हमारा दो बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा अगर अगर फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कर गया तो हमारा जो फंक्शन का मान पूछता है लिमिट एक्स टेंस टू टू पर एफ एक्स का मान क्या होगा तो टू ही होगा। ठीक है सॉरी 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 टू कहाँ से है यार जिसमें जीरो आया, देखिए जीरो आया सॉरी जब जीरो आया एल एच एल भी जीरो आया और आर एच एल भी जीरो आया। ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो होगा तो ऑप्शन नंबर कौन होगा सी नंबर। ठीक है अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया और उसका एल एच एल आर एच एल जीरो है मैं जो भी है आर एच एल में और एल एच एल में जो भी है तो जो और कहता है कि हमारा एक्स टेंस टू जो भी दिया होगा उस फलन पर मान क्या होगा तो उस फलन का मान वही होगा जो एल एच एल और आर एच एल होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एफ एक्स के ही बराबर एक्स है तो देखिए एक्स स्क्वायर कब लेना है और एक्स हमें कब लेना है जब हमारे जीरो से बड़ एक जीरो से बड़ के लिए एक्स स्क्वायर लेना है और जीरो से छोट के लिए एक्स लेना है। ठीक है तो देखिए यहाँ पर जीरो से भी छोट है और जीरो से भी बड़ है, यहाँ पर जीरो से बड़ है और यहाँ पर जीरो से छोट है तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा एट एक्स बराबर क्या हो जाएगा जीरो। तो देखिए एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नो है तो जीरो माइनस एफ एक्स। ठीक है मतलब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अब जीरो से छोट के लिए एफ एक्स का मान क्या होगा क्या लेंगे हम देखिए जीरो से छोट के लिए एक्स है तो देखिए लिमिट अब एच टेंस टू जीरो कराऊंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो माइनस है तो जीरो माइनस एच। देखिए यह किसके बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या जीरो माइनस एच के नहीं बराबर होगा देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो देखिए अब एक्स कितना है माइनस है माइनस कितना एक्स है जीरो से छोट के लिए कितना है एक्स लेना है तो एक्स तो एक्स के जगह पर हम क्या लेना है माइनस एच लेना है माइनस एच तो इसके जगह पर अब जीरो रखेगा तो क्या होगा जीरो का जीरो ही नहीं होगा वो माइनस की माइनस कभी जीरो होता है जीरो कभी माइनस नहीं होता है ना प्लस में होता है। ठीक है वो हमेशा जीरो सॉरी जीरो है वो माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है तो क्या होगा जीरो होगा देखिए आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस अब जीरो से बढ़ के लिए फंड क्या लेना है जीरो से बढ़ के लिए एक्स स्क्वायर। ठीक है तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अब एच टेंस टू जीरो कराऊंगा तो क्या होगा फल जीरो प्लस एच हो जाएगा। ठीक है उसके आगे लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो अब देखिए जीरो से बढ़ के लिए क्या एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर एच है तो एक एक्स की जगह पर क्या लेंगे एच लेंगे
तो ये एक्स स्क्वायर है, देखिए एफ एक्स, एक्स हमारा क्या है एच ही है, जीरो प्लस एच किसके बराबर होगा, एच के बराबर होगा, और एक्स है वो एच ही है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पर क्या एच रखूँगा, तो कितना रहेगा एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, ठीक है। देखिए हमारा एल एच एल बराबर आ गया आर एच एल के, तो कहें गया द फंक्शन, द फंक्शन डोज एग्जिस्ट, जब फॉर्म हमारा एग्जिस्ट कर गया तो कह रहा है लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, एफ एस का मान कितना होगा, इसके दोनों का मान कितना है जीरो जीरो है, तो भी कितना है जीरो, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सही होगा बी।